नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ UPPCS के जो प्री के एग्जाम हैं उसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग किस तरीके से कैसे अपना एडमिट कार्ड जो होगा वो डाउनलोड करेंगे, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को सारा का सारा ऑनलाइन फॉर्म संबंधी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आप देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट खुली हुई है upsc.up.nic.in। इसकी ऑफिशियल साइट पर जब आपको आना होगा, आने याद स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को नीचे की तरफ आना होगा। यहाँ पर नीचे मैं आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों की जो न्यूज है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, मैं आपको ये पढ़ के पूरी न्यूज सुना दे रहा हूँ। 1241 केंद्रों पर होगी पीसीएस प्री परीक्षा, फिर प्रवेशपत्र जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2023 की प्रारंभिक प्री परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आयोग की वेबसाइट पर इसका लिंक उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के आधार पर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 14 मई को प्रदेश के 51 जिलों में कराई जाएगी। इसके लिए 1241 केंद्र बनाए गए हैं, मतलब 14 मई को जो होगा वो आप लोगों का एग्जाम होगा। अब आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो कल से आप लोगों के डाउनलोड होना प्रारंभ हो गए हैं। आप लोग किस तरीके से कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको पीछे दिखाया था, इसकी ऑफिशियल साइट पर जब आप लोग आएंगे तो आप स्क्रॉल करते नीचे की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर आपको ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो डिटेल होगी वो भरनी होगी। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, डेट ऑफ बर्थ डालने का जेंडर आप लोगों को चूज करना होगा। जेंडर चूज करने बाद कैप्चा जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आप लोगों को फिलअप करना होगा। जब कैप्चा फिलअप कर देंगे उसका जो डाउनलोड एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहता है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल भेजेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो डाउनलोड करके भेज दूंगा। तो आप लोगों को ये तरीका है जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग एडमिट कार्ड अपना कैसे डाउनलोड करेंगे, वो सारा तरीका मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया है। मैंने आप लोगों को सारा तरीका ए टू जेड जो भी तरीका होता है किस तरीके से आप लोग डाउनलोड करेंगे। अगर आप लोग अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस वाला जो ऑप्शन मैं आप लोगों को घेरे में दिखाया, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। बाकी आप लोग एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया, और आप लोग मेरे द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते हैं वो भी तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा एक नई ऑनलाइन फॉर्म संबंधी जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।